हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि गेट्स फंक्शन और स्कैनर फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं, इससे कंपाइलर लाइन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम स्कैनर फंक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं, स्कैनर फंक्शन है, ठीक है, स्कैनर परसेंटेज एम परसेंट एसटीआर। चलिए एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंटर द स्ट्रिंग, तो हम इंटर कर रहे हैं एच आई। तो यहाँ पे दो को कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू टू डिस्प्ले हो रहा है। चलिए फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं कोड को, इंटर द स्ट्रिंग, तो इस बार हम इंटर कर रहे हैं आई गाइस। ये देखिए, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे दो ही डिस्प्ले हो रहा है, यही डिस्प्ले हो रहा है, और बाकी स्पेस के बाद जो होता है जी यू वाई एस, मतलब टोटल कैरेक्टर यहाँ पे है चार और दो छह एक ब्लैंक स्पेस। लेकिन जब आप स्कैनर फंक्शन यूज करेंगे तो वाइट स्पेस अगर स्कैनर फंक्शन को मिलता है तो वहां से वो कैरेक्टर काउंट करना बंद कर देता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर फंक्शन को कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे गेट्स फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटर कर रहे हैं हाय, यहाँ पे द स्ट्रिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू सही है, तो कैरेक्टर है। अब यहाँ पे हम इंटर कर रहे हैं हाय गाइस, तो ये देखिए द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे सेवन आ गया। तो यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस स्कैनर फंक्शन और गेट्स फंक्शन में ये है कि अगर आप स्कैनर फंक्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू होगा, और यहाँ पे क्या होता है, वाइट स्पेस अगर स्कैनर फंक्शन में मिल जाता है तो वहां से वो जो भी स्ट्रिंग है उसको काउंट करना बंद कर देता है। लेकिन गेट्स फंक्शन में क्या है कि अगर वाइट स्पेस ही मिलता है तब तो उसको भी काउंट करता है, और उसके बाद का जो भी कैरेक्टर उसको भी काउंट करता है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्कैनर फंक्शन और गेट्स फंक्शन में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये छोटा सा चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यू में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्कैनर फंक्शन और गेट्स फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।